हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम गोलगप्पों का पानी बनाएंगे। हम दो तरीके का पानी बनाएंगे, पहला चटनी से बना हुआ चटपटा पानी और दूसरा इमली से बना हुआ मीठा पानी। बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार में एक कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, ध्यान रहे हम पुदीने की क्वांटिटी धनिया से कम ही रखेंगे, एक बड़ा अदरक हम इसे काट लेंगे, चार हरी मिर्च इसे भी हम काट लेंगे, चुटकी भर हींग, एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच काला नमक, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच जलजीरा मसाला, एक चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी चीजों को पीस लेंगे। सारी चीजें अच्छे से पीस चुकी हैं। अब हम इसको एक जार में निकाल लेंगे। अब इसमें दो ग्लास पानी, और करीब दो चम्मच नींबू का रस डालकर मिला लेंगे। आप इसे थोड़ा सा टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जलजीरा मसाला या नमक ऐड करके इसका टेस्ट बैलेंस कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बूंदी डालेंगे, बूंदी ऑप्शनल है, आप इसे बिना बूंदी के भी एंजॉय कर सकते हैं। चटपटा पानी तो बन चुका है, अब हम इमली का मीठा पानी बनाएंगे। इसके लिए हमने इमली को पहले ही 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसका सारा पल्प अच्छे से निकाल लेंगे। हमने इसको पानी में इसलिए भिगो कर रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका पल्प इजीली निकाला जा सके। देखिए, इसका सारा पल्प पानी में आ चुका है। अब इसको हम छान लेंगे।
थोड़ा सा पानी डालकर इसके सारे रस को अच्छे से निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इमली के पानी को कढ़ाई में डाल लेंगे। अब इसमें आधा कप गुड़, और आधा कप चीनी डालकर इसको अच्छे से उबलने देंगे। देखिए गुड़ और चीनी दोनों मेल्ट हो चुकी हैं और इसमें उबाल भी आ चुका है। अब गैस बंद कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम 3 से 4 चम्मच इमली की चटनी जार में डाल लेंगे। बाकी की चटनी हम बाद के लिए रख देंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी, 1 चम्मच काला नमक, 1/4 नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। आप इसको थोड़ा सा टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इमली की चटनी या पानी को ऐड करके इसका टेस्ट बैलेंस कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बूंदी डालेंगे। दोनों पानी बनकर तैयार हैं। ये चटनी से बना हुआ चटपटा पानी और ये इमली से बना हुआ मीठा पानी। आप इन्हें गोलगप्पों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई एम श्योर आपकी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।